नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आज के इस फर्स्ट सेशन में शो टुडे इज द डेब्यू क्लास ऑफ फॉर एनवायरमेंट इन इकोलॉजी सीरीज सो एज आई प्रोमिस्ड यू कि ये जो सीरीज मैं आपको जो है पूरी कंप्लीट करा के जाऊँगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सो टुडे इज द फर्स्ट डे टूडे वी आर हैविंग द लेक्चर वन दैट मीन्स द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास सो स्टार्टिंग से लेके इस आखिरी तक जो है जुड़े रहना है आपको सो यहीं पर जो है ये क्लास हुआ करेगी पाँच बजे ऑल राइट बाई मी एंड एवरी थिंग विल भी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम योर प्रगलम्स पॉइंट ऑफ व्यू टू योर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ का जो है यहाँ पर जो है ध्यान रखा जाएगा सो so बिल्कुल बेफिक्र होके जो है आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो एन्वायरमेंट के लिए एनवायरमेंट से गई क्वेश्चन कितने सारे आते हैं वो जब मैंने ओरिएटेशन लिया था इस क्लास का फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट पढ़ाया मैंने कुछ भी नहीं था हालांकि उस दिन मैंने सर को बताया था कि एन्वायरमेंट से जो है कितने ज़्यादा सवाल अप्रोक्सीमेटली यू कैन कंपेयर इट विथ ऑलमोस्ट विथ योर अदर सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी ऑल राइट इकोनॉमिक्स तो एनवायरमेंट में भी लगभग उतरे सवाल जो है आपके आ रहे हैं और इसका रीज़न ही मैंने आपको बताया था कि दैट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विस दे अ कॉमन ओके एग्जामिनेशन दैट इज द प्रम्स एग्जामिनेशन लेटर ऑन द डाइवर्स मीन्स इज हेल्ड सेपरेटली फॉर द सिविल सर्विस एंड फॉर फॉरस्ट सर्विसेज इट इज़ हेल्ड सेपरेटली बट कॉमन जो है ये फॉरेस्ट सर्विसज का एग्जाम होता है सिविल सर्विस के साथ में प्रबिल्स तो वो एक कारण है जिससे यू पी एस सी एनवायरमेंट से जो है

है ना विद सब्सक्रिप्शन और ये ऑफर जो है आपका पचास परसेंट का पच्चीस अगस्त तक है तो तब तक आप प्लान कर लीजिए सी डी पी एस सी कोड आप लगा सकते हो तमाम फायदे हैं सब्सक्रिप्शन में है पढ़ने के यहाँ तो आपको सिर्फ एनवायरमेंट से पढ़ा रहा हूँ मैं वहाँ आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे टॉप एजुकेटर्स रिजल्ट ऑल्सो यू हैव लेक्चर्स ओके ऑल द मटीरियल टेस्ट सीरीज सी सैट एवरीथिंग ऑलराइट सो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शेयर द क्लास प्लीज लाइक द क्लास एंड मैचेज में यू कैन ज्वाइन क्लास के बाद थोड़ा और बात कर लेंगे अभी जो है आज स्टार्ट करते हैं पहली क्लास दैट इज द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्लास वन तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं जैसा कि आपने बोला था कि सर स्टार्टिंग से करना और लास्ट तक करना सो क्लास वन ऑल राइट सो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सो गुड इवनिंग अक्षय अविनाश सबका नॉलेज मुस्कान आशु नाहिद गौरव कुमार सो आई आर गईज मैंने आपको कराई दिया है एज यू नो सो आई आर वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ इट आई विस्वीज है क्लासेज सो दे इज अस प्ले लिस्ट फॉर दैट सो यू कैन जस्ट कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन फ्राम देयर एंड यू कैन जस्ट कंप्लीट योर आई आर जस्ट ऑगमेंट इट विथ योर करंट अफेयर्स अभी आज जो है बारी एनवायरमेंट की है ऑल राइट सो ज्यादा आ गई आज क्लास में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि छः बजे मुझे डॉक्टर के पास जाना है ओके so, okay, तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज बट ठीक है इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट सो लेट स्टार्ट विद द एन्वायरमेंट ठीक है सो ये एन्वायरमेंट एक वर्ड ऐसा है जो हमने कॉमनली यूज कर लेते हैं जैसे मैं आपको बोलूं कि ये मेरे घर का एन्वायरमेंट जो है अच्छा है या मेरे घर का एन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ठीक है या फिर अपन कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं हमें लगता है कि यार एन्वायरमेंट ये या अच्छा नहीं है चलो यहाँ से चलते हैं कोई दूसरी जगह पर चलते हैं तो एनवायरमेंट ये कई तरीके से यूज किया जा सकता है ठीक है इंग्लिश में लेकिन हम जो एन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नेचुरल एन्वायरमेंट है अबाउट द Natural environment, the nature-wala environment hai. Now, guys, this environment will consist of living things. All right, non-living things, jivit Okay, not any thing artificial. The term is mostly applied to earth. All right, so the term is mostly applied to earth. So you will see, guys, many types of species, climate, weather, natural resources in any kind of environment. बट जरूरी नहीं है कि हर एनवायरमेंट में लाइफ आपको मिले ये एक इंपॉर्टेंट फर्क है जो आपको पता होना चाहिए अभी मैं आपको इकोलॉजी बताऊंगा अभी मैं आपको हैबिटेट बताऊंगा तो एनवायरमेंट को कई बाकी चीजों से अलग करने वाला जो है वो आपके यही है हो सकता है एनवायरमेंट में लाइफ ओके okay. जीवन जो है हो या हो सकता है नहीं भी हो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू तो जैसे माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वहां पर आपको ओके आई डोंट थिंक एनी काइंड ऑफ लाइफ इज पॉसिबल या बहुत समुद्रों के नीचे जो है समुद्र के नीचे तो फिर भी लाइफ जो है डिस्कवर कर ली है ऑल राइट इन द वेरी हॉस्टाइल एनवायरमेंट हॉस्टाइल एनवायरमेंट एक ऐसा वर्ड है जो बताता है कि वहां पर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है छोटे मोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं फंगस होते हैं उनको जो है हम उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो हम उन्हें लाइफ फॉर्म नहीं कहते हैं उन्हें डॉर्मेंट लाइफ कहते हैं ठीक है डॉर्मेंट लाइफ है वो जो फंगा है जो बैक्टीरियाज है सो एनवायरमेंट इज हैली बेसिकली एवरीथिंग विच इज अराउंड अस

लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जीवित चीजें हैं उनके बारे में जो है बायोस्फेयर आपके बात करता है तो जीवन आपको जो है कहां कहां पे मिलता है अर्थ के ऊपर तो जीवन जो है हमको मिलेगा एटमॉस्फेयर के अंदर आप बताओ एटमॉस्फेयर के अंदर हवा में जो है कई सारे इंसेक्ट्स मच्छर मक्खी बर्ड्स वगैरह ओके कितने सारी चीजें जो है ओके वो आपके एटमोसफेयर में रहते हैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूँ बताओ यू हैव योर एटमोसफेयर यू हैव योर हाइड्रोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर मतलब जो धरती का भाग जो कि पानी से ढका हुआ है वो पार्ट जो पानी से ढका हुआ है लिथोस्फीयर, जमीनी इलाका जहां पर इंसान रहते हैं बेसिकली जंगल में जानवर रहते हैं लिथोस्फीयर, तो इज लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोस्फेयर ओके इन तीनों ही आयामों के अंदर जो है लाइफ इज पॉसिबल सो ऑल दीज थ्री टुगेदर दे आर कॉल्ड बायोस्फेयर समझ गए आप तो बायोस्फेर कहा जाता है इनको तो आप सवाल आ सकता है एग्जाम में कि एटमोसफेयर पार्ट क्या क्या है का? सिर्फ लिथोस्फेयर ही है या टेरेस्ट्रियल सिस्टम ही है सो एटमोस्फेयर वेदर यू टॉक अबाउट द हाइड्रोस्फेर वेदर यू टॉक अबाउट कॉमन थिंग बिटवीन देम इज लाइफ लाइफ आपको हर जगह मिलेगी एंड इन द लाइफ इन इंक्लूड द डेड ऑर्गेनिज्म भी सवाल आ सकता है डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या वो बायोस्फीयर का पार्ट है सवाल आ गया में कि पत्ता एक टूट के गिरा हुआ है जमीन पे अब उसमें यू नो लाइफ तो रही नहीं पर वो फिर भी डेड मैटर है बट वो ऑर्गेनिक मैटर है तो वो भी आपके बायोस्फेयर का ही पार्ट माना जाएगा द बायोस्फेयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ टूगेदर डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फेयर ऑल राइट सो ये कह रहा है जैसे बायोस्फेयर जो है कई एक्सट्रीम जगहों पे नहीं पॉसिबल है जैसे नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया ऑल राइट माउंट एवरेस्ट की जो पीक है के की जो पीक है डेड जोन आपको पता है के जो पहाड़ी है वहां पर जो है उसके सर्टेन एक सेक्शन के ऊपर जो है डेड जोन कहते हैं उसको ये जो है वहां पर डेड जोन है क्योंकि इस लेवल पे वहां पे ऑक्सीजन नहीं है शो ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ नहीं है

समझ जाओ आप ठीक है तो बढ़ चिड़िया है एटमोस्फेयर में समुंदर में मछली है पानी में मछली है जंगल पे हाथी है जेबरा है आप है मैं है तो ये सब आपका बायोस्फेयर का पार्ट है ऑल राइट ओके सो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रहने वाले जानवर वो भी आपके जो है लीथोस्फेयर में आएंगे वो भी बायोस्फेयर का पार्ट है कुछ जानवर जमीन पे चलते हैं कुछ जमीन के नीचे भी रहते हैं हम यूपीएससी से सवाल पूछ लग गया आपको पता है गिलहरी कहाँ पे रहती है ऑल राइट right, तो ये सब चीजें जो है आपको डिटेल में समझना चाहिए कि जो जमीन के अंदर कोई जानवर रह रहा है चूहा या कुछ भी करा वो भी आपके लिथोस्फेयर का ही पार्ट है लिथोस्फेयर का पार्ट सिर्फ ये नहीं है टॉप इसके नीचे का जो पार्ट है वो भी लिथोस्फेयर का पार्ट है समझ गए आप हैबिटेट ऑल राइट लेट्स टॉक अबाउट द हैबिटेट ओके शंकर सबसे बे, 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 बेहतर से बेहतरीन कराएंगे आप टेंशन मत लो नाउ गाइस गाइस व्हाट इज इज हैबिटेट हैबिटेट सो स्पेसिफिकली अ प्लेस इन मतलब और इन एन एनवायरमेंट ऑल्सो आप कह सकते हो वो सब कुछ हो है तो ये एनवायरनमेंट में ही सो हैबिटेट ये एक्चुअल में वो जगह है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे गुफा है तो वो शेर का हैबिटेट है ठीक है बरो है तो मतलब कोई नीचे जो है आपके जो जानवर खो देते हैं उसमें खरगोश रहता है तो उसका हैबिटेट है तो तो हैबिटेट वही है जहां पर जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम रहते हैं वो उनका हैबिटेट है पेड़ है उसमें घोंसले हैं तो चिड़ियाओं के लिए जो है वो पेड़ जो है वो एक हैबिटेट है तो हैबिटेट तो है बिना लाइफ के पॉसिबल ही नहीं है ऑल राइट सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू शुड नो सो हैबिटेट इज द फिजिकल एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म पे एक रहता है ऑल कोरल रीफ्स है जैसे कोरल रीफ्स में कई सारे जो है मछलियां कई सारे के जो है समुद्री जानवर जीव जंतु जो है रहते हैं सो दैट इज़ अ हैबिटेट अ सिंगल हैबिटेट में कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स एक ही हैबिटेट पे जो है कई तरह के ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं पेड़ पे जो है जैसे कि आपको पता है चिड़िया भी रह सकती है बंदर भी रह सकता है स्नेक भी रह सकता है उसी तरह से हम कोरल रीफ्स की बात करें तो कई प्रकार के जानवर उसमें रह सकते हैं ऑल सिंगल एक्वेटिक हैबिटेट भी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम एक्चुअली स्टे ओके डिफरेंस गईस क्या हैबिटेट और एनवायरमेंट के अंदर तो सीधी सीधी बातें गईटेट विल ऑलवेज है लाइफ वहां पर हमेशा जो है लाइफ आपको जो है मिलेगी वहां पर जो है आपको सिर्फ बिना लाइफ के हैबिटेट नहीं हो सकती एनवायरमेंट जरूर हो सकता है ओके okay, एनवायरमेंट हो सकता है बट वहां पे लाइफ नहीं है तो वहां पे हैबिटेट नहीं है यानी कि सारे के सारे हैबिटेट जो हैं एनवायरमेंट का ही पार्ट हैं लेकिन सारे एनवायरमेंट जो हैं वो आपके हैबिटेट नहीं है तो सिलोजिम्स अगर सीसेट में मैं आपको उसको समझा सीसेट की भाषा में मैथ्स की भाषा में आपको मैं समझाऊं ठीक है तो भाई ये सारा आपका एनवायरमेंट है ठीक है ये आपका एनवायरमेंट है लेकिन इस सारे एनवायरमेंट में जो एरिया है वो हॉस्पिटेबल नहीं है इस सारे में कहीं पे भी रह नहीं सकते हो जाकर ऑलराइट right, तो इस एनवाइट का कुछ ही पार्ट जो है आपके रहने लायक है सो so, ये आपका हैबिटेट है तो जो भी हैबिटेट है सारा का सारा एनवायरमेंट के अंदर ही है लेकिन जरूरी नहीं कि सारे इलाके जो भी एनवायरमेंट के अंदर चीजें कवर होती है जैसे मैंने बताया माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो भी हैबिटेट हो वहां पे भी कोई बड़ा जानवर या कोई चिड़िया वहां रहती हो ओके सो दैट इज नॉट अ हैबिटेट बट एवरी हैबिटेट इज ओके इनकम्पासड इन टू द एनवायरमेंट ओनली समझ गए सो हैबिटेट इज ऑलवेज प्रेफरेंस बाय वन स्पीशी एंड एनवायरमेंट कुड बी अ प्रेफरेंस ऑफ मेनी स्पीशी एनवायरमेंट एक बड़ा ऑब्वियसली बड़ा वर्ड है बड़ा एरिया है सो दैट कैन बी ओके इनहैबिटेड बाय मेनी स्पीशीज यूजली द एनवायरमेंट गवर्न्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द हैबिटेट बट नॉट वाइस वर्सा समझ गया आप कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आज तक प्लीज आस्क मी ठीक है सो गुड इवनिंग रवि काजोल अभिषेक हिमांशी एनी प्रॉब्लम टू लेयर प्लीज आस्क मी ठीक है सो चौबे अब तक हमने हैबिटेट पढ़ा मैंने सॉरी मैंने आपको हैबिटेट हाँ हैबिटेट मैंने आपको पढ़ाया मैंने आपको जो है एनवायरमेंट पढ़ाया अब इकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है इसका पूरा नाम एक्चुअली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है जो ये आप इसको एनवायरमेंट कहते हो ऑल राइट सो दिस इज बेसिकली एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी तो एनवायरमेंट आपने समझ लिया एक फिजिकल चीज़ है एनवायरमेंट हैबिटैट भी एक फिजिकल एंटिटी है किसी का घर से यह घर जो है ये मेरा हैबिटैट है या मैं रहता हूं ऑल राइट इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो नॉलेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज इकोलॉजी अब गई लॉजी वर्ड जहां पर लग जाता है ना लॉजी मतलब स्टडी बायोलॉजी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी जूओलॉजी लॉजी मतलब स्टडी करना किसी चीज की ये ग्रीक वर्ड एक ये जो लॉजी का वर्ड है दिस इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है लॉजी इट मींस स्टडी ऑल राइट सो सिमिलरली द इकोलॉजी वर्ड बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ओके आपका ग्रीक वर्ड ओके विच मीन्स बेसिकली ओके ओकोस वर्ड से जो है वर्ड से जो है आपके इकोलॉजी वर्ड जो है ड्राइव हुआ है इसका इंग्लिश में मतलब होता है घर हाउस ओके कंबाइंड विद लॉजी लॉजी का मतलब साइंस या मतलब उसकी स्टडी को बेसिकली लॉजी कहते हैं सो लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज अ हाउस होल्ड सो अर्थ गई एक बहुत बड़ा हाउस होल्ड भी है जहां पे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो इनकी जो स्टडी करना ओके okay? सो साइंटिफिक स्टडी बेसिकली ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट अब भाई एक ऑर्गेनिजम की स्टडी आप नहीं कर सकते हो आप बंदर की स्टडी नहीं कर सकते हो जब तक आप बंदर की जो जहां बंदर रहता है वहां की भी स्टडी करनी पड़ेगी बंदर क्या खाता है कौन से फल फूल खाता है उनकी भी स्टडी करनी पड़ेगी तो स्टडी सारी एक साथ होती है ये ठीक है आप स्टैंड अलोन कंडीशन में स्टडी नहीं कर सकते हो आप ह्यूम्स की स्टडी नहीं कर सकते हो स की स्टडी करनी तो आपको हर चीज स्टडी करनी पड़े ह्यूमन्स क्या क्या खाते हैं जान नॉन वेज भी खाते हैं वेज भी खाते हैं कपड़े पहनते हैं कपड़े आपके कॉटन से आते हैं वगैरह वगैरह ठीक है सो दिस इज बेसिकली स्टडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी हर ऑर्गेनिज्म का गईज एक रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर वो रोल क्या है उसका बाकी ऑर्गेनिजम्स कैसे उस पर डिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन ओके और किस तरह के एनवायरमेंट में वो रहते हैं वॉट काइंड ऑफ एनवायरमेंट दे लिव इन तो ये सब की स्टडी करना इन सब का अध्ययन करना दैट इज बेसिकली इकोलॉजी सब अर्ंस एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे ये या आप याद कर लीजिए सो अर्सिल ने जो है ये वर्ड दिया था आपको नाइनटीन एटीन में फर्स्ट टाइम इन्होंने ये वर्ड जो है यूज किया था क्या वर्ड ओके इकोलॉजी अर्स है एटीन सिक्सटी के अंदर कहाँ से निकाला ये वर्ड को हमने ग्रीक ओके okay, जो आपके ग्रीक भाषा है वहां से हमने ओके okay, ओकॉस वर्ड जो है निकाला है और लॉजी वर्ड को मिलाकर जो है इकोलॉजी हमने बनाया है हमने मतलब जर्मन जो ये जियोलॉजिस्ट थे अब इसको सब यूज करते हैं ओके टू ओके सो इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर फिजिकल एनवायरमेंट एंड विच ईच अदर ओके इंटरेक्शन होगा यहाँ पर इंट्रैक्शन की स्टडी होगी फिजिकल एनवायरमेंट की स्टडी होगी ऑल राइट ओके उस ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी होगी ऑब्वियसली और इन आपस में जो इंट्रैक्शन है वो उसकी भी स्टडी होगी तो वो बन जाएगा आपके इकोलॉजी समझ गए अब आते हैं गईस इको सिस्टम ऑल राइट इको सिस्टम बेसिकली गाइज आपके लिए एक तरह से इट इज अ वेरी यू नो नो इट कैन बी यू नो डिवाइडेड एज पर योर कन्वीनियंस इट कैन बी मेड एज पर योर कन्वीनियंस अगर पूरी अर्थ को मैं बोलूं तो ये भी एक इको है समुद्रों को बोलो तो अलग इको सिस्टम है ठीक है समुद्र में मैं सिर्फ कोरल्स पे चला जाऊं तो एक अलग सिस्टम है सिर्फ कोरल्स में एक पर्टिकुलर कोरल की मैं बात करूं तो वो भी एक सिस्टम है ठीक है ये मेरा जो घर है ये भी एक इको सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारी चीजें रह ओके okay, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ठीक है कई तरह के यू नो इंसेक्ट्स चिककलियां कई तरह के जो है चीजें रहती सब है सब इको है बट अगर मैं देखा कि मेरा फ्लोर जो है ये भी एक इको है मेरा ये जो रूम है ये भी एकको सिस्टम है ये जो टेबल है उस टेबल पे जो चीजें रखी हुई पनी प्लांट रखा हुआ है पानी रखा हुआ है किताबें रखी हुई है चेयर है ये भी एकको सिस्टम है तो कितना छोटे से छोटा हो सकता है इको सिस्टम और कितना बड़े से बड़ा आप बना सकते हो इको सिस्टम को कि आपकी कन्वीनियंस पे है क्या आपका पर्पस है उसको बनाने का वो जो है आपकी इको सिस्टम होता है सो इको सिस्टम जो वर्ड है गाइज आपके आर्थर टेंसले ने जो है पहली बार दिया था इन नाइनटीन थर्टी फाइव ठीक है तो ये भी आप याद ठीक है सो वॉज इज बाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन कॉन्करेंस विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरक्टिंग विथ ईच अदर ठीक है तो तीन वर्ड्स यहां पर इंपॉर्टेंट हो गए कम्युनिटी ऑफ लाइफ ठीक है मतलब जो भी जीव जंतु वहां पे हैं सारे के सारे ऑल राइट ओके कैसे कंकरेंस मतलब वही बेसिकली आपके कैसे रह रहे हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ में ठीक है जैसे चींटी है गई या जैसे कोई इंसेक्ट है वो जमीन पे रहता है जमीन में जो है ओके okay, कई सारी जो है न्यूट्रिएंट्स वो जमीन से लेता है जमीन के अंदर रहता है तो नॉन लिविंग चीजों की भी बहुत जरूरत है हमें ओके okay, किस तरह से जो है आप समझ लीजिए कि डेड वुड के अंदर जो है डीमक रहती है तो नॉन लिविंग और लिविंग चीजें कैसे इंट्रैक्ट कर रही है दूसरे के साथ और वो एक सिस्टम बनाती है एक लकड़ी जो यू you नो know, जंगल में पड़ी हुई सड़ रही है उसमें एक चूहा भी रह रहा है अंदर बिल बना के उसमें कई सारे स्पाइडर भी रह रहे हैं उसमें कई सारे कीड़े भी रह रहे हैं टर्माइट्स भी रह रही है वो भी एक इकोसिस्टम है छोटा सा तो इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है ठीक है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पूरा जंगल भी एक इको है ऑल राइट सो दिया इको सिस्टम वर्ल्ड वॉज गिवेन बाय आर्थर टेंसले इन फाइव समझ गए रिमेंबर द नेम्स फॉर योर मेन्स एग्जाम ऑल राइट तो इको सिस्टम के बारे में और बातचीत कर लेते हैं यहां तक आई होप एवरीइज एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विदंगल्वस एंड ऑल्सो विद द फिजिकल ठीक है वर्ल्ड तो इको सिस्टम में कई क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिज्मीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इंट्रैक्शन होगा ठीक है इनका खुद के साथ भी देमसेल्स ठीक है और अदर जो ठीक है अदर जो है यू नो नॉन लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो बात बाद में जो है आपके जाकर बन जाएंगे ए बायोटिक और इनको हम कहेंगे बायोटिक ठीक है सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स गाइज दे इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिजम्स विथ दम सेल्स या अदर ऑर्गेनिज्मीज सो ये आपका बेसिकलीको सिस्टम है ठीक है उसका इंटरेक्शन okay, कौन कौन से रह रहे हैं उसमें वो दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं ऑल राइट right. और क्या क्या उनके आस पास की चीजें जो है फिजिकल चीजें हैं ऑल राइट एंड इको सिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज मैंने आपको बताया था कितना छोटा कितना बड़ा हो सकता है इको सिस्टम है आपका ठीक है ओके okay. सो इन द बायोटिक ए बायोटिक कम्पोनेट जिनपे हम डिटेल में बात करने वाले हैं कल वाली क्लास के अंदर सो इन द इको सिस्टम बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेट्सिंक टुगेदर द न्यूट्रिय एनर्जी फ्लो ये थोड़ा हायर लेवल पे हम जाएंगे तो पढ़ेंगे सो so, ये कई न्यूट्रिय साइकिल है ठीक है और एनर्जी फ्लो है ये भी आपके इको सिस्टम की में जो है होना जरूरी है क्योंकि इको सिस्टम का पार्ट है ये कि न्यूट्रिय जो है कैसे उस इको सिस्टम में घूम रहे हैं कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं एनर्जी जो है कैसे ट्रांसफर हो रही है ऑल दिस पार्ट ऑफ योर इको सिस्टम इन एन इको सिस्टम स्पीशीज एंड एलिमेंट्स दे आर पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी ठीक है तो जो वही बात है कि जो भी इको सिस्टम में रहता है वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या दूसरी स्पीशीज पे डिपेंडेंट है तभी उनका काम जो है चल रहा है ठीक है आपसी सहयोग से ठीक है ओके अगर एक पार्ट बच्चों इको सिस्टम का डैमेज हो जाए तो पूरा का पूरा इको सिस्टम जो है कोलैप्स कर सकता है ठीक है जिनको आपको पता है की स्टोन स्पीशीज भी कहा जाता है तो कुछ स्पीशीज अगर जो है इकोसिस्टम से आप हटा लोगे ठीक है या कुछ पार्ट्स उसके हटा दोगे तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है इसलिए हम यू you नो know, इस चीज के बारे में बहुत ही चिंता भी करते हैं एंड वी आर वेरी सम अबाउट यू नो एवरी कंपोनेंट ओके और एवरी एलिमेंट ऑफ द इको क्योंकि एक भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो पूरा इको पे जो है खतरा आपके आ सकता है ऑल राइट right. सो so, अगर इकोसिस्टम की गई इस बात करी जाए तो दो तरह के इकोसिस्टम को मोटे मोटे तौर पे जो है हम दो तरह के इकोसिस्टम को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं एक आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है मतलब तो जमीन जहां पे जमीन के ऊपर एक आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है ऑल राइट right? तो दो पार्ट्स में हमने बेसिकली डिवाइड कर लिया इकोसिस्टम को टेरेस्ट्रियल और आपके एक्वेटिक अब एक्वेटिक के अंदर गई दो तरह के और आप सब डिविजन कर सकते हो एक है फ्रेश वाटर मीठे पानी यानी कि लेक हो गई झील हो गई कोई नदी हो गई जहां पे पानी मीठा है ठीक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक मरीन इकोसिस्टम है आपका मरीन इकोसिस्टम मतलब समुद्री इलाका जहां पानी जो है खारा है आपका बेसिकली दैट इज द मरीन इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो है आपके अब आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ओके okay, बट मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आप ओके okay, टेरिस्ट्रियल जमीन पे किस, कितने तरह तरह के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं तो डेजर्ट आपको मिल जाएंगे एक तरफ माउंटेन आपको मिल जाएंगे ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे अब ग्रासलैंड में सारे आ गए जोग्राफी आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत तो जो आपके यू नो द ग्रास द टेम्परेट लैंडस भी आ गए यहां पर यहाँ पर आपके जो है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड सवाना वगैरह वो भी आ गए फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो आपका ये भी आ गया टुंड्रा जो बहुत ही ठंडे जगह हैं ठंडी जगह हैं परमानेंटली सात आठ महीने नौ महीने तक जहाँ पे बर्फ जमी रहती है तो ये आपके डिविज़ डिवाइड कर दिया मैंने एक सहूलियत के लिए ताकि आप इनको स्टडी कर सकें एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड टेरेस्ट्रियल जमीन पे हैं सब सारी चीजें ये पानी में है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑल राइट सो फॉरेस्ट ग्रास लैंड डेजर्ट्स आप इसमें अपना भी कुछ डाल सकते हो ऑल राइट दे आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स ऑल राइट लेक टलैंड आ गए आपके रिवर्स बता ही दिया था एस्चूरी ये भी आपके जो है एक्वेटिक इको है और आज जो नई एक चीज हमको देखने को मिल रही है दैट इज द ह्यूमन मेड इको लाइक यू कैन ऑल्सो से ओके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप फील्ड्स एक्वेरियम ओके तो एक्वेरियम क्या है कमरे में रखा छोटा सा एक पानी का वो है बॉक्स है जिसमें मछलियां भी है और भी जीव जंतु तो है तो वो भी एकको सिस्टम है इवन आप गई आज के जो मॉडर्न सिटीज हैं जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं जहां पे इंसान बस रहे हैं बसा रहे हैं वो भी एकको एक सिस्टम ही एक तरह से ओके okay. तो शहर हैं जो हमारे अर्बन सिटी सेंटर है ओके okay. मकान है वहां पर रोड हैं ओके okay. आपके कॉन्क्रीट है कई सारे तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी अपने आप में एक इको एक सिस्टम है उसको आप कोई गलत नहीं कह सकता कि नहीं इको सिस्टम नहीं है ओके वहां पर अलग तरह की लाइफ जो है मौजूद है ऑल राइट सो थिंग ओके सो दिस इज द

एक चीज होगी आपके बायोटिक ये लाइफ से संबंधित है लाइफ लिविंग थिंग्स ठीक है ये जो है ए नॉन लिविंग थिंग्स शो दो पार्ट होते हैं आपके ए बायोटिक बायोटिक ये आप जरूर ये ग्राफ जो है आप जरूर बनाए भी अगर आप इसको कभी और आंसरिंग एनी क्वेश्चन ऑन ओके डू मैंशन दिस थिंग जितना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है ओके okay, थोड़ा बहुत भी अगर आप बना देंगे ऑल राइट सो आपको So well. आपके हमें, 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 हमें पता है living नहीं है ये टेम्परेचर है विंड है लाइट है रेन है अब ये लिविंग चीजें नहीं है ये सब चीजें आपको मार्क्स पे भी मिल जाएंगी बारिश वहां पर भी होती होगी भले ही वहां पर सॉरी दूसरे प्लान पे जैसे सैटन भले ही वहां पर जो है मैंने सुना है आपके यू यूनो डायमंड बारिश होती है ओके लाइट वहां पे भी जाती है विंड भी वहां पे भी चलती है टेम्परेचर वहां पे है आर नॉन लिविंग थिंग्स देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ए बायोटिक कम्पोन एडेफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू से संबंधित सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भले खुद में सॉइल गाइस एक नॉन लिविंग एंटिटी है नॉन लिविंग चीज है लेकिन एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए लिविंग क्रीचर्स को सनसेड सस्टेन करने के लिए सॉइल बहुत जरूरी है आप बताओ अगर सॉइल नहीं होगी तो घी ओके okay, आपके गाय ओके गोट शीप्स क्या खाएंगे घास कहां से खाएंगे सॉइल नहीं होगी तो इंसान जो है गेहूं चावल एक कहां से खाता सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको हम कहते हैं एडिफिक फैक्टर्स एडिफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू सॉइल पीएच क्या है उसका मिनरल्स क्या क्या है उसमें टोपोग्राफी जो है वो कैसी है सो दीज आर योर एडेफिक फैक्टर्स ये सारे ए बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट्स हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करूं मैं यानी कि लिविंग थिंग्स की मैं बात करूं अब तो यहां पर है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डी ये तो हमने बात करी सिंपल इंग्लिश के अंदर प्रोड्यूसर्स को कही जो है आपके ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है कंज्यूमर्स को जो है हीट्रोटॉप्स भी होते हैं ये All right. आपके स्पेरोली होते हैं ऑटोट्रॉप्स प्लांट बेसिकली ऑटोट्रॉप्स बेसिकली बेसिकली होते हैं प्लांट्स प्लांट्स ट्रीज ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑटो मतलब अपने आप ट्रॉप्स मतलब लिविंग ये अपने आप अपना खाना जो है बनाते हैं आपने ये नहीं सुना होगा क्योंकि पेड़ को मैं खाना खिलाने जा रहा हूं या पेड़ घास ने खाना नहीं खाया आज ठीक है क्योंकि इनको वही खाने की जरूरत नहीं है एनर्जी के लिए ये सनलाइट से पानी से जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे अपने आप ही जो है अपना एनर्जी जनरेट करते हैं ये और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ये खाने के लिए तो इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स बेसिकली मतलब घास फूस पेड़ पौधे बेल ओके तो ये सब आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं कुछ गाइस कंज्यूमर्स होते हैं जो खुद अपनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते ह्यूमंस हैं जैसे वो कंज्यूमर्स हैं ओके शेर है जितने भी जानवर हैं बेसिकली वो कंज्यूमर्स हैं वो या तो घास खाएंगे या फिर मांस खाएंगे

जो यू नो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं बेसिकली उनको हम कहते हैं स्पैरो ठीक है जो डेड चीज़ों को खाते हैं चाहे वो डेड वेजिटेशन हो चाहे वो डेड एनिमल्स हो या जो भी हो ठीक है सड़ा गला जो भी काम जो जो करते हैं वो आप सड़ा गला जो भी चीज़ें खाते हैं उनको जो है हम स्पैरो कहते हैं ऑल राइट right. अब स्पेरो ट्रॉप्स आपको लग रहा हूँ इनका तो जरूरत ही नहीं होना चाहिए सर यहाँ पे इनको क्यों बनाया भगवान ने इनका क्या काम है ऑल राइट तो स्पैरो का भी यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचर में आपने सुना कुछ भी वेस्ट नहीं होता तो जो भी गई डेड ऑर्गेनिज्म हो जाता है ठीक है उसमें भली लाइफ खत्म हो जाती है लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे कि किसी एनिमल की डेड बॉडी है तो उसके अंदर भली लाइफ नहीं है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है बहुत तरह के न्यूट्रंट्स हैं इन न्यूट्रेंट्स को वापस से जो है न्यूट्रेंट साइकिल जो है इको एक एक का या जो आप कह लीजिए एनर्जी फ्लो है इको में उसके अंदर वापस डालना जरूरी है वो काम करते हैं स्पैरो ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं आपके ओके okay. डीकम्पोजर्स अब कंज्यूमर्स की गई बात करूं तो बच्चों कुछ होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स डायरेक्टली ऑटोट्रॉप को खा लेते हैं जैसे कि हिरण है गाय है बकरी है गोट है ये डायरेक्टली जो है ऑटो को खाते हैं ओके okay. बस ऑटो प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो है गाइज आपके सेकेंड लेवल पे होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं टर्स कंज्यूमर जो है और हायर लेवल की स्पीशीज होती है जो इनको खाते हैं और लाइक दिस थिंग्स गोज ऑन इसके बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में अभी तो ए बस ग्राफ था मैंने आपको समझा दिया इसको ठीक है ना वो लेट्स अब कुछ टर्म्स हम सीख लेते हैं इकोलॉजी बता ही दिया एनवायरमेंट हैबिटेट इको उसके बाद ऑर्टियोलॉजी सीनियोलॉजी क्या होते हैं ऑल yes. राइट right. अभी ईजी है इसलिए स्लो लग रही है बाद में जो है जब थोड़ी कॉम्प्लेक्स जाएंगी तब आपको लगेगा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो सर ठीक है शो दैट इज अ थिंग ऑल राइट सो इकोलॉजी की अगर बात करें इज अ स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स और ओके सराउंडिंग इकोलॉजी में आपको बताई दिया ठीक है इट स्टडी ऑफ द यू नो ओकिस वर्ड से निकला है स्टडी है और की इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो आपस में और अपनी सराउंडिंग्स में एंड इको सिस्टम क्या बताई दिया फंक्शनल यूनिट होती है जहाँ पे कई सारी चीज होती है एनवायरमेंट इससे भी इससे भी ऊपर होता है विच कैन हैव मेनी काइंड ऑफ इको सिस्टम ओके इट कैन बी ऑलमोस्ट एवरीथिंग और अ स्मॉल रीजन हैबिटेट मैंने आपको बताई दिया इट इज लाइक अ प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट लिव विदाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट का कोई जो है अस्तित्व नहीं है वो हैबिटेट ही नहीं है ठीक है वो एक पार्ट हो जाएगा एनवायरमेंट का लेकिन वो हैबिटेट तभी होगा जब वहां पर कोई आपके यू हैव अ लिविंग बींग्स ओके ऑट इकोलॉजी का मतलब क्या होता है ओके सो एस दिस इज द स्पीशी इकोलॉजी तो जब आप किसी इंडिविजुअल स्पीशी की स्टडी करते हो लॉजी का मतलब वही है पढ़ाई करना अध्ययन करना साइंस वगैरह ठीक है सो व्हेन यू स्टडी एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और यू स्टडी एनी यू नो बेसिकली द सिंगल ऑर्गेनिज्म और उसका क्या रिलेशन है तो आपको ऑटोलॉजी के अंदर वो आता है सिनियोलॉजी के अंदर आप जो है एक स्पीशीज नहीं बल्कि मल्टीपल स्पीशीज को जो है या दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को जो स्टडी करते हो कि उनके आपस में क्या इंटरक्शन हैं सो ये इन दो वर्ड्स का मतलब है ओके सो दिस दिस इज अ मीनिंग सो हेयर यू विल स्टडी इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तो यहां पर जो है आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करोगे और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में खुद में खुद की स्टडी और उसकी इंटरेक्शन विद अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रीचर्स एंड हेयर यू स्टडी टू और मोर से ज्यादा जो है स्पीशीज को आप एक साथ स्टडी करते राइट लास्ट गाया हाइपोथेसिस ठीक है गाया हाइपोथेसिस जो है आपको बताता हूं मैं ओके okay. okay. गाया गई बेसिकली ग्रीक गॉडेसिस थी ठीक है मिथिकल जो है ग्रीक गॉडेसिस थी तो ग्रीक गोडेसिस की कहानी आपने बचपन में सुनी होंगी ओके जियो हेडन पोसाइडन ओके आपके कई तरह के गॉड्स थे ग्रीक गॉड उनमें गई जो है अर्थ को बताया गया कि अर्थ जो है पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है गाया उसका नाम है एक ग्रीक गॉडे गाया वो गाया मतलब अर्थ जो पूरी है वो यू नो इट्स अ इंटरकनेक्टेड थिंग अर्थ है जैसे अर्थ है उसके बाल हैं तो उसको बालों को दिखाया गया है कि उसके बाल जो है पेड़ पौधे हैं right, उसके ऊपर जानवर है वो भी उसी के पार्ट हैं तो ये ग्रीक माइथोलॉजी कह लीजिए जो भी कह लीजिए ग्रीक स्टोरी स्टोरी है ये जैसे में जो, जो अर्थ है वो पूरी शेषनाग पे टिकी हुई है इस तरह से तो ये गाया हाइपोथिस बेसिकली ग्रीक जो है माइथोलॉजी का पार्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो अर्थ है पूरी की पूरी कि एक ही चीज है आप अलग नहीं कर सकते हो कि पेड़ अलग हैं शेर अलग है इंसान अलग है ये सब एक ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है गाया ये गोडेसिज है अर्थ और अर्थ पे रहने वाली हर चीज पत्थर वत्थर सब उसी का पार्ट है मिट्टी पत्थर पहाड़ नदियां ऑल राइट सो दैट इज द थिंग सो दैट इज दाया हाइपोथिस ओके अब गाया हाइपोथिस अभी ये जो है आपके लिए बात चल रही कि अगर ह्यूमन्स जो है ज्यादा बदमाशी करेंगे जैसा कि ह्यूमन यू नो दे आर ऑल्सो डूइंग मेरी ओके प्रॉब्लोमैटिक थिंग्स फ्राम द फॉर द नेचर दैट इज द ओके क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेज पल्यूशन ये वो जानवरों को मार रहे हैं ओके okay, एंडेंजर कर रहे हैं एक्सटिंक कर रहे हैं ऑल राइट सो साइंटिस्ट है इफ ह्यूमट ओके डूइंग सच थिंग्स दैन द गाया विल सर्वाइव बट इट विल हैव नो प्लेस फॉर ह्यूमन्स सो ह्यूमन्स के लिए जो है बेसिकली अभी जो है समझने स, uh, स, uh, okay? समझ जाने का समय है अगर वो वे नहीं तो जो है गा तो रहेगी और, और जो चीजें हैं पेड़ पौधे जंगल जानवर सब रहेंगे बट ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो ये ह्यूमंस का नुकसान है नेचर का नुकसान नहीं है ऑल राइट सो दिस इज द गाया हाइपोथिसकेज हाइपोथिस को मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया ऑल राइट सो इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक इन इन द गायाज सीन थ्रू द एटमोस्फेयर अब गई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो होती हैं ये बड़ी काम की होती हैं भले ही एग्जाम में पूछ ही ना जाए बट ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपना कोई ऐसे पर्टिकुलरली ऐसे भी अपने आप में एक ढाई सौ नंबर का पेपर है आपका रैंक मेकर पेपर है वो ठीक है रैंक इसी से बनती है आपके ऐसे एथिक्स ऑप्शनल सो ये आपके जो है रैंक वगैरह आपको चाहिए अच्छी So, आप जो है इन सब चीजों को याद रखिये इन सब चीजों से अपने आप ऐसे वगैरह जो है एनरिच कर सकते हो और इसी चीजों से जो ऐसे वगैरह जो है पढ़ने में मजा आता है एंड विच विल रिजल्ट यू इन गुड मार्क्स ठीक है सो दिस इज इट ऑल राइट सो दैट इज गाया थिंग ऑल राइट यस गी कैन पनिश ऑल्सो यूमन दैट इज ऑल्सो ट्रू ओके शुगिया जो है रेफर करता है साइंटिफिक दैट द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी अर्थ जो है पूरी एक ही ओके okay, एंटिटी uh, है ऑल राइट विथ द ओके रेगुलेटिंग इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स थ्योरी गाइज ये भी कहती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो भी जैसे आपकी बॉडी है आपका पूरी बॉडी का एक भी ऑर्गन अगर काम नहीं करेगा सही से तो पूरी बॉडी इफेक्ट आएगा तो यही गायक भी थ्योरी है कि एक भी अगर इको सिस्टम है या कोई उसको उसको परेशानी होगी तो पूरी अर्थ पे उसका इफेक्ट आएगा समझ रहे हो आप आप तो ऐसे भी जो है आप इसको जोड़ सकते हो तो इसी के साथ आज की क्लास जो है, एंड करते हैं आप दे सकते हो पचास क्वेश्चन साठ मिनट में सत्ताईस ग्यारह बजे सुबह आप मेरा कोड यूज कर सकते हो से और ये एकदम फ्री इनिशिएटिव है इसमें इंडिया ऑल ओवर इंडिया से जो है बच्चे जो है आप चाहो पूरी फुल फ्लेजेड तो टेस्ट सीरीज, तो सी सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो अभी 50 परसेंट आपके डिस्काउंट भी चल रहा है 25 अगस्त तक ये डिस्काउंट रहेगा आप पेरा कोड यूज कर सकते हो यहाँ पर सीड यू और आप जो है ये देख सकते हो ओके अबाउट दिस ऑफर दैट यू कै नॉट टेक इट ओके इफ यू टेक इट यू विल बी गेटिंग ऑल द असिस्टेंस फ्रॉम अन अकेडमी यू कैन एक्सेस दिन अकेडमी कोर्सेज बैचेज मटीरियल हर चीज ऑल राइट सो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गई आप बेसिकली ले सकते हो डेढ़ साल या दो साल का और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो वहाँ पर मेरे कोड से आपको मैंटरिंग गाइडेंस मिलेगी सो यू कैन यूज़ माई कोड ओके टॉपर्स बहुत सारे अकेडमी ने दिए हैं आगे भी देता रहेगा आप भी हो सकते हो इनमें से एक बार शर्ते आप जो है कुछ तरीके और जो है कुछ चीजों को जो है सही से आपके फॉलो कीजिए सो बैचेस आर ऑलरेडी बीन स्टार्टेड ओके कुछ स्टार्ट होने भी वाले हैं तो ये बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो 25 तारीख तक ये ऑफर खत्म हो रहा है तो उससे पहले आप कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन अपना जो है ले सकते हो ऑल राइट लोन पर भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इफ यू कैनोट पे द द्यूज अमाउंट इन वन गो तो सिर्फ अपनी फीस को छोटे छोटे बाइफरकेट करके आप जो है पे कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ ई बट विदाउट एनी इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा अकेडमी जो है विल टेक केयर ऑफ दैट इस नंबर पर आप कॉल करके बोल सकते हो कि मुझे ये वाला सब्सक्रिप्शन लेना है ओके okay. से डी यू पी सी कोड लगाना है दे विल हेल्प यू आउट ऑल राइट सो दिस इज अ थिंक हिंदी मैगजीन्स भी जो है आपके लिए अवेलेबल है और आप उनको भी जो है अपनी पढ़ाई का एक सर इट विल बी आस्क वॉट इज अफ द पी आपको उसका मिलेगा सी डी यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ऑफलाइन में भी, भी गई आप एडमिशन ले सकते हो और इस चा, इस चैनल पे जो है आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शो दैट इज थिंग दैट इज द थिंग ऑल राइट सो टमोरो अब वी विल बी हैविंग द क्लास ऑन द सेम टाइम पाँच बजे इसी जगह पे इसी चैनल पे और आगे की गई जो, जो भी है कुछ चेंजेस होता है या जो भी है तो वो आपको बता दिया जाएगा uh, क्लास में ही बता दिया जाएगा और क्लास आप मान लीजिए नहीं देख पाते हो मिस कर देते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है बता दिया जाएगा तो वहां पे जुड़ जाएगा ऑल राइट सो गुड बाय टेक केयर ओके सी यू टुमारो जय हिंद एंड लेट्स क्रैक इट